संजय जी बस एक मिनट बात कर ले, अभी तो बोल दिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अभी हमारे साथ है रांची के सांसद संजय सेठ, तो आइए इनसे बात करते हैं कि अभी तीसरे दौर का चुनाव है और बीजेपी इसको किस तरह से ले रही है। सर बताएं, तीसरे दौर के चुनाव में जो पहला दूसरा दौर था, पहला दौर तो नक्सली इलाका था, दूसरा दौर जो था वो ज़्यादातर आदिवासियों का इलाका था, कहा जाता है जेएमएम का इलाका है, ये तो आपका घर है, तो तीसरे दौर में बीजेपी किस तरह से ले रही है इन 17 सीटों पर, जहाँ 10 सीटें हैं आपकी पार्टी की अभी। हमने कहा ना, पहले चरण और दूसरे चरण में हम हाफवे पार कर गए, 41 बहुमत का आंकड़ा होता है, और दोनों दूसरा चरण लोग बोलते हैं, देख राजनीतिक पंडित के दूसरा चरण कोलान है तो वहाँ भाजपा की स्थिति कमज़ोर होगी, लेकिन वहाँ की जनता ने दिखा दिया हम विकास के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं, हम रघुवर दास के साथ में। तभी दो चरणों में जो सूचनाएं आई वो 20 के पार चले गए, इन तीन चरणों तीसरा और चौथा तो भाजपा के बहुत अनुकूल है और पांचवा भी अब भाजपा के अनुकूल है, तो इन तीनों चरणों के चुनाव के बाद 65+ का संकल्प पूरा होगा। सर एक बात मैं जानना चाह रहा था कि 2014 में पिछला जो चुनाव हुआ था तो उसमें अभी तक 2000 के बाद, 2000 में झारखंड राज्य आया, 2005, 9 और 14 तीन बार चुनाव हुए, तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा था 2014 में था मोदी की लहर थी, आपका वोट परसेंट भी 20 से करीब 32% हो गया, सीट भी 18 से 37 हो गया, तो सर लेकिन आज तक कभी भी बीजेपी को जो 41 चाहिए वो नहीं आया है, इस बार ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या रीज़न है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ सकती है, जैसा आप कह भी रहे 65 पार और जो भी, स्टेबल गवर्नमेंट, विजनरी गवर्नमेंट, कमिटमेंट वाली गवर्नमेंट। इन मैंने कहा ना, 5 सालों के अंदर झारखंड के गांव गांव, टोले टोले, पंचायत पंचायत अच्छी सड़कें बन गई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन लग गए, शौचालय बन गया, प्रधानमंत्री आवास बन गया, गैस चूल्हा दो दो सिलेंडर मिल गया, आयुष्मान भारत मिल गया, भयमुक्त वातावरण मिल गया, इसीलिए जनता के साथ खड़ी है। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में आहट सुनाई दी लोगों को, तभी तो 14 में 12 सीट जीते, और सूबे की जनता विकास के साथ खड़ी है। फ्रैक्चर मैंडेट अब उब चुकी, क्योंकि अब तो वयस्क हो गए, 18 साल के बाद तो एकदम वयस्क हो जाते हैं, तो अब तो 19 साल के हम हो गए, तो और स्टेबल सरकार, एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार, और इस प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा 65+ का संकल्प पूरा करेगी। सर एक सवाल और भी था कि मोदी जी भी आए थे तो जो कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल है जो बेसिकली रूरल इकोनॉमी का मॉडल है, तो मोदी जी ने कहा कि हम गुजरात का मॉडल लेंगे जो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल है। सर तो इसके बारे में एक CMI की रिपोर्ट है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उस रिपोर्ट में सर कहा गया है कि 2016 से लेकर अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स आए यहाँ पर उसमें मोर देन 40% रुक गए, स्टॉल हो गए। अब ये रिपोर्ट ऐसी है जिस पर कि जो हमारा CSO है वो भी ट्रस्ट करता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो जाहिर है कि जैसे फिक्की जो झारखंड में है हमारे यहाँ, तो उसने एक अलग कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया, उसका कहना है कि सरकार जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उतना काम नहीं कर पा रही जितना कि शायद हो सकता था या होना चाहिए था। माफ करेंगे, फिक्की यहाँ फिक्की कोई नहीं है, हाँ उसका कैंडिडेट नहीं है, उसके जो पहले चेंबर कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, वो स्वतंत्र है, कोई भी 3.25 करोड़ आदमी से कोई भी लड़ सकता, आप भी लड़ सकते हो, तो मैं अध्यक्ष रहा हूँ आदमी ना, मैंने लगभग 15 साल हमने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेवा दी है, वो चेंबर के कोई हो सकते हैं, चेंबर का कैंडिडेट कोई नहीं है, और ये भ्रामक है, एक भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, अलबत्ता रांची के अगल बगल 40 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां खुल गई, 40, हजारों लोग को नौकरी मिल गई है, तो आप स्पष्ट आप जाके देख लो 40, और जो उद्योगों का जाल बिछना था आप देखिए आप जाल बिछना शुरू हो गया, एक भी ये भ्रामक है बिल्कुल, ये एकदम हम कह सकते हैं कि एक झूठ फैलाने वाला, और मैंने कहा ना कि यहाँ से आप कुछ नहीं,
15 किलोमीटर आप चले जाओ ना, और मांझी के इलाके में चले जाए, नेवरी के इलाके में चले जाइए, बुड़मू चले जाइए, यहाँ से आप नामकुम चले जाइए, देखिए कैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई है। चाहे बड़ी बंडी इंडस्ट्री, अरविंद मिल है, ओरियन क्राफ्ट है, बहुत सारे ऐसी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ हैं। देखने वाली बात है, कोई छुपने वाली बात नहीं, हजारों लोगों को रोजगार मिला। एक आखिरी सवाल आपसे करना था, एक हाल ही में एक रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उनका सर ये कहना है कि पूरे देश में गरीबी का जो औसत है अभी करीब 28% के आसपास है। उस रिपोर्ट में सर कहा गया, मिंट अखबार में छपा है अभी 4-5 दिन पहले, उसमें सर कहा गया है कि झारखंड में करीब करीब सारे के सारे जिले जो हमारे हैं उन वहाँ पर जो सर गरीबी का औसत है वो इस 28% से ज़्यादा है। टोटलिटी में उन्होंने कहा कि करीब 46% के आसपास है। तो इसका मतलब है सर कि 5 साल में जिस ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं, कौन छापा, कौन बोला, कहीं विदेश में बैठ के लिख लिया, नेट देख लिया, अरे भैया जमीन में आओ, आप घूमो, आपको दिखेगी। पहले संथाल में तन पे कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, आप देखो जाके। वो मिंट कोई अंग्रेजी अखबार, कोई अंग्रेज बैठ के ये मानसिकता त्यागनी होगी। अरे हम आज़ाद हो गए, आज़ाद भारत में हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं, और किसी मिंट अखबार ने कोई अंग्रेजी ने अंग्रेजी में छाप दिया, आप उसी को लेकर पढ़े हो। अरे आप जाओ ना झारखंड के गाँवों में, आप देखो कैसे, किसको विकास कहते हैं, कैसे गरीबी दूर होती है। हमने कहा ना कि अरे शौचालय करोड़ लोगों को दे दिया, आयुष्मान भारत दे दिया, गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया, प्रधानमंत्री आवास दे दिया। एक आखिरी एक सवाल था कि देश में हमारे यहाँ सांख्यिकी और डेटा का सबसे बड़ा बॉडी है वो CSO या NSO है, उनका सर एक डेटा है अभी, उसमें कहा गया है कि पूरे देश में जो रूरल सेक्टर है उसकी स्थिति कुछ गिरी है, पहले रूरल इकोनॉमी उनका जो परचेजिंग पावर गिरा है, और उसमें यह भी कहा गया है कि झारखंड में ये और भी ज़्यादा गिरा है, चूँकि पहले भी जो गरीबी का आंकड़ा था वो ज़्यादा था। ये NSO का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये जो देश की सर्वोच्च संस्था है उसकी डेटा, ये डेटा का खेल नहीं है। हम पूरा आमंत्रित करते हैं डेटा वालों को, आओ देखो हम तुमको ले चलते हैं गांव टोला पंचायत, इन 5 सालों में जो विकास हुआ वहां जाके देखो। दिल्ली में और वाशिंगटन में और BBC में बैठ के वहां बैठ के मत लिखो, अरे साक्षात देखो ना। ये डेटा का खेल, ये केंद्र सरकार की सर्वोच्च संस्था, मैं कह रहा हूँ ना डेटा का खेल ये मक्कड़ जाल है। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, सामने देखो ना आंख से, कहाँ कितना विकास हुआ है, कोई छुपा तो नहीं, पर्दे में तो नहीं है, पर्दे के बाहर आप देख लो। चलो शुक्रिया सर।